हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं माइंड ब्लोइंग का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और फिर देखेंगे कि माइंड ब्लोइंग वर्ड को हमें सेंटेंस में यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले माइंड ब्लोइंग की प्रोनाउंसिएशन है MIND माइंड, BLOW ब्लो, ING माइंड ब्लो इंग माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स होते हैं अमेजिंग, किसी चीज का गजब का होना, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, जॉ ड्रॉपिंग जिसे देखकर मुंह खुला रह जाए, एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक। वहीं माइंड ब्लोइंग के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं बोरिंग, किसी चीज का उबाऊ होना, कॉमन सामान्य सा दिखने वाला, डल सुस्त, नॉर्मल साधारण। माइंड ब्लोइंग का मतलब होता है इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज माइंड ब्लोइंग यू मीन दैट इट इज एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव और सरप्राइजिंग। अगर आप किसी चीज को माइंड ब्लोइंग कहते हैं तो आपका मतलब है कि वह बेहद प्रभावशाली या आश्चर्यजनक चीज है। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखते हैं विथ माइंड ब्लोइंग। इट विल बी माइंड ब्लोइंग फॉर मी टू सिंग विद देम। It will be mind-blowing for me to sing with them. उनके साथ गाना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। The astronauts had mind-blowing pictures of planet Earth. The astronauts had mind-blowing pictures of planet Earth. अंतरिक्ष यात्रियों के पास पृथ्वी ग्रह की कुछ बेहतरीन तस्वीरें हैं। Spending a week in the jungle was a mind-blowing experience. Spending a week in the jungle was a mind-blowing experience. Jungle में एक सप्ताह बिताना एक निराला अनुभव था। तो simple शब्दों में mind-blowing का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत अद्भुत लगे, जिसे देखकर कोई हक्का बक्का रह जाए। बेहतरीन या निराली चीज को हम mind-blowing कहते हैं। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप माइंड ब्लोइंग वर्ड से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।